नमस्कार दोस्तों, काद्यांश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त फ्लोटिंग दिया लेकर के आए हैं, जो बहुत ही सिंपल है, ज़बरदस्त तरीके से हमने इसे बनाया है। तो इस DIY को बनाने के लिए हमने फूड कलर को यूज़ किया है और उससे ये बहुत ही सुंदर हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना प्यारा आया है और बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को बनाना शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ग्लास लिए हैं, मस्टर्ड ऑयल लिया है, फूड कलर, कॉटन और पानी, कैची ले ले और एक प्लास्टिक की शीट ले ले। प्लास्टिक की शीट थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम विक बना लेंगे, बाती बना लेंगे। बाती बनाने के लिए थोड़ा सा कॉटन ले और हथेलियों में ऐसे आप यूँ मसल लेंगे तो ये बाती बन जाएगी। मैं अभी लंबी वाली बाती बना रही हूँ और इसी के मैं दो हिस्से कर लूँगी। तो लगभग 1.5 इंच की बाती हमें तैयार कर लेनी है, या फिर मार्केट में जो आती है, जिससे हम डेली घर में दिया जलाते हैं, गोल वाली जो होती है, वो वाली बाती भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और प्लास्टिक की शीट ले ले। प्लास्टिक की शीट थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, पतली वाली नहीं होनी चाहिए। और इसे मैं रफली सर्कल शेप में काट रही हूँ। तो रफली सर्कल शेप में हमें काटने के बाद में इसमें हमें हल्का सा छेद कर लेना है, ताकि जो बाती हमने अभी बनाई थी वो इसमें से आराम से आ जाए। तो आप देख सकते हैं, तो आप जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं, मैं जैसे इसमें ग्लास में डाल रही हूँ, तो ये बाती इस तरीके से, ये जो प्लास्टिक की शीट है इसमें ऐसे आ जानी चाहिए। और इसके जो सेंटर होता है प्लास्टिक का शीट का, जो अभी हमने रफली काट लिया था, उसके सेंटर में हमें हल्का सा छेद करना है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजर के टिप से मैंने इसे छेद किया। अगर छेद थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये अंदर डूब जाएगा पानी में और तेल में। तो हमें या तो आप सुई से छेद कर सकते हैं और इस बाती को निकाल लें। तो बस सुई जितना छेद होना चाहिए ताकि बाती बस उसमें से निकल जाए, और ज़्यादा अगर छेद बड़ा हो जाएगा तो ये फ्लोट नहीं करेगा। इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। और जिसमें भी आपको बनाना है इस दिए को, उसमें पानी डालें। तो मैंने एक ग्लास ले लिया है और छोटे से बोल ले लिए, उनमें 3/4 उनका जो हिस्सा होता है उसमें हमें पानी भर लेना है, क्योंकि पानी के ऊपर अभी तेल भी हमें डालना है। मैं इसमें डाल रही हूँ रेड कलर, तो रोज़ रेड लिक्विड वाला जो फूड कलर होता है वो हम डालेंगे। कोई और कलर आप ना डालें, क्योंकि कोई भी जो वाटर कलर या फिर आर्किलिक कलर्स आते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी का कलर ऐसा नहीं रहेगा। और दूसरे में मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ। तो ध्यान रहे, हमें फूड कलर ही डालना है और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो हम मिठाइयों में डाल करके उन्हें अच्छा कलर देने के लिए यूज़ करते हैं, उनसे हम इन दियों को बनाएंगे। तो थोड़ा सा बस 3 से 4 ड्रॉप हमें डालना है और मिक्स कर लेना है। तो मेरे पास पाउडर वाला भी फूड कलर है, मैं वो भी डालूंगी। तो ये येलो कलर में है, तो बस एक चुटकी जितना हमें डाल लेना है और मिक्स करना है। और अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्रिस्टल बीड्स या कलरफुल स्टोन्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो स्टेशनरी पे ये सब मिल जाएंगे, ये ऑप्शनल है। वैसे भी देखिए कितना सुंदर कलर आया है, या फिर कुछ कांच के गोले जो होते वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो घंटे भी डालने के बाद में अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। हमें मस्टर्ड ऑयल को ही इसमें डालना है, और इसी से ही, क्योंकि ऑयल थोड़ा थिक होता है और इससे बाती जो है ऊपर आसानी से फ्लोट कर पाएगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर तक दिया जलाना है तो तेल को आप ज़्यादा डालें, और ये देखिए तेल ऊपर ही तैरता है। और इसके बाद में जो हमने अभी शीट में विक को डाल लिया था, बाती को डाल लिया था, उसे हम इसमें डाल लेंगे। तो धीरे से आपको डाल लेना है। और ये जो बाती है कॉटन की है, इसीलिए ये अपने आप ही तेल को एब्जॉर्ब कर लेगी और ऊपर तक ये इसमें तेल भर जाएगा, और फिर हम इसे जला लेंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये तेल को एब्जॉर्ब करने लग गई है बाती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सिंपल सी DIY अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि इस दिवाली हर कोई अपने घर पे इस तरीके से दियों को जला सके, कलरफुल दियों को।
और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसे जला लिया और इसके बाद में कितना सुंदर ये इसकी जो शेड आ रही है फ्लोर पे भी इसकी शेड आएगी। तो ज़रूर बनाइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।